और ये देखो भाई, आज अंडा सब्जी बनेगा। कैसे जी? मेरी पत्नी बनाएगी, वो भी पन्नी वाला स्वादिष्ट। किस प्रकार से बनाएगी ये देखो। इसको भी पन्नी में डालेंगे और बनने के बाद दिखाऊंगा भाई, मस्त टेस्टी लगता है ये वाला रेसिपी है। चलो जी जल्दी से बनाओ, मैं हाथ पैर धो के आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 8:30, और आज सुबह से बारिश हो रहा है भाई। ये देखिए, कल शाम को भी बारिश हो रहा था। बारिश की बूंदें उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बारिश हो रहा है भाई। इधर देखो, आंगन में पानी भर गया है। अभी थोड़ा कम हुआ है, वरना बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। उस साइड के बारिश में पानी भर गया है पूरा, वो देखिए। सुबह 5 बजे से बारिश हो रहा है। मैं सोचा था मक्का में थोड़ा सा खाद देना बाकी है, तो उसी को खाद दे दूंगा करके, लेकिन यहाँ तो सुबह से ही बारिश हो रहा थी और अभी तक बंद नहीं हुआ है। 8:30 बज चुका है, तो अब जा रहा हूँ भाई नहाने के लिए। क्या करूँगा, खाना वगैरह खा के देखूँगा, फिर बारिश बंद होगा तो कुछ करेंगे, या फिर आज तो छुट्टी ही समझ लो। चलो कोई फिलहाल अभी नहा के आ जाता हूँ। नहा के आ चुका हूँ और बारिश हो भी रहा था तो ही नहाने चला गया था भाई। अब खाना खाने के लिए आ चुका हूँ पुराने घर में। फिर मम्मी सोई है, खा लिया मम्मी खाना? नाश्ता कर लेंगे। चीला बना था भाई सुबह सुबह से, और पेज बना था। इसको देखो, ये देख, इसको बोलते हैं भाई पेज। देखो खीर जैसा है लेकिन खीर नहीं है भाई, ये खीर में मीठा डाला रहता है। ये ऐसी है, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी खाते हैं। और चीला कहाँ है जी? अब चीला दिख ही नहीं रहा है। चीला यहाँ पे रखा है। ये देखिए दोस्तों, चीला भी बना है। मम्मी इसी को बोल रही थी सुबह चीला, और ये पेज बोलते हैं उसे खाए हैं। मैं फिलहाल एक तो चीला मैं भी खाऊंगा यार। ये देखो भाई, ये पेज और ये है झुरगा और मुनगा सब्जी बना है आज। और ये रहा मेरे हाथ में चीला, एक चीला खा रहा हूँ। चलो भाई अब खाना खा लेता हूँ। सो खाना खा लिया हूँ, अब वीडियो एडिट करूँगा, फिर क्या करूँगा वही बस काम है अभी फिलहाल। भाड़ी में कोई काम नहीं है, बारिश हो गया है तो चलो दोस्तों वीडियो एडिट कर लेता हूँ। अभी टाइम हो गया है दोस्तों शाम के 4:10, और अभी थोड़ा मौसम क्लियर हुआ भाई, वरना बूंदाबांदी बारिश हो ही रहा था। ये देखो मस्त हरा भरा लग रहा है, और मौसम भी क्लियर हो गया है। बदली आया हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। अब बरसात का दिन है तो बदली तो आएगा ही। देखिए भिंडी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, पता नहीं यार कब फल फूल लगेगा। सब्जी नहीं निकल रहा है, घर खर्चा चलने में बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर मक्का भी उतना ज़्यादा नहीं बड़ा बड़ा हो रहा है। इसको देखो मेकअप कर रही है, कहाँ जाएगी, कैसे सिर को ढक लिए। देखो सुबह से भाई घर में घुसे घुसे बोर लगने लग गया है भाई, हालत ख़राब हो गई। चलो थोड़ा छत के ऊपर चलते हैं, ऊपर से माहौल देखते हैं नीचे साइड किस प्रकार से लग रहा है। तो अभी छत के ऊपर आ चुका हूँ, और ये देखो भाई, ये है अपना धान का नर्सरी, जो कि घास बहुत ज़्यादा है भाई। नर्सरी कम दिख रहा है, जो हरा हरा दिख रहा है वो घास है भाई पूरा। नर्सरी कम है, घास ज़्यादा दिख रहा है भाई। इसके लिए कुछ दवा लाना पड़ेगा, खरपतवार नाशक। और उधर देखो भाई, उस साइड के खेत में पूरा पानी भर गया है, दिन भर तो बारिश हुआ है यार। उधर छोटा सा नहर है, उसी नाम से और पानी भरा है। ये वाला खेत अपना है, उसके बगल में भी पानी भरा हुआ है, नहर के उस पार भी खेत में पानी भरा हुआ है। ये देखिए, और छत के ऊपर से कुछ इस प्रकार से देखिए माहौल दिखता है भाई, मस्त हरा भरा एकदम। अकेले में है घर, शांत वातावरण में। और ये अपना भिंडी वाला बाड़ी है, ये देखिए ये भिंडी वाला बाड़ी है, और उसके ऊपर में मक्का वाला बाड़ी है। ये सामने का मक्का अच्छा बड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन उस साइड का मक्का थोड़ा छोटा छोटा है यार, ग्रोथ नहीं कर रहा है। गोबर खाद डालना पड़ेगा लग रहा है
इसको देखो भाई, भूतनी जैसे दिख रही है, इसीलिए चेहरा छिपा लिया, पाउडर को लगाई है। कैसे चेहरा छिपा लिया देखो, हटाओ तो एक बार जी, अपना सुंदर सुखड़ा दिखाओ तो। जा रहा हूँ अब मैं भी, मुंह आँख धोऊंगा भाई, थोड़ा फ्रेश लगेगा। फिर सुबह से आप सोए सोए दिमाग खराब हो गया है, एकदम से आलस लग रहा है। फिर हो सकेगा तो तखतपुर वगैरह घूमने जाएंगे, नहीं तो फिर घर में पड़े रहेंगे भाई, क्या करेंगे। हाथ पैर धोने आने वाला था, लेकिन अभी भाई मेरी पत्नी लकड़ी लाने के लिए बोल दी है। तो ये देखो भाई, लकड़ी ले जाने के लिए आया हूँ। ये अपना ट्यूबवेल वाला रूम है, छोटा सा, यही रखे हैं लकड़ी वगैरह को। और इसको छेना बोलते हैं भाई, गोबर का बना रहता है, चूल्हे में सब इसी सब में पकाते हैं। ये देखो छेना, ये गोबर का बना रहता है। लकड़ी के साथ में इसको भी ले जाएंगे। पत्नी बहुत ज़्यादा काम करती है, तो उनका भी थोड़ा हेल्प करना फर्ज बनता है भाई हमारा। ये रेडी हो गया, ये इसी से खाना पकाएंगे चूल्हे से। चलो भाई अब इसको ले चलता हूँ घर, लकड़ी को ले आया हूँ घर। और ये देखो भाई, आज अंडा सब्जी बनेगा। कैसे जी? मेरी पत्नी बनाएगी, वो भी पन्नी वाला स्वादिष्ट। किस प्रकार से बनाएगी उसको दिख। आप बस खाओगे? मैं बस खाऊंगी बोल रही है भाई, मुझे नहीं देगी। कैसे जी? ये देखो, इसको भी पन्नी में डालेंगे और बनने के बाद दिखाऊंगा भाई। मस्त टेस्टी लगता है ये वाला रेसिपी, है ना जी? और ये चावल पक रहा है भाई। चलो जी जल्दी से बनाओ, मैं हाथ पैर धो के आ रहा हूँ। अब जा रहा हूँ भाई हाथ पैर धोने के लिए। अभी दोस्तों रात के 8 बज चुका है और अपना सब्जी भी पक चुका है भाई। ये देखो मम्मी लोग खाना खा लिए हैं। क्या सब्जी में खाए मम्मी? मछली सब्जी में खाए हैं ये लोग। ख़त्म हो गया भतीजी का भी, और अपने लिए अंडा सब्जी बना है भाई, है ना जी? और ये है भाई फ्राई वाला अंडा, ये देखो ये पन्नी वाला है भाई, मस्त टेस्टी लगता है। इसमें है अपना सब्जी, ये देखो चिकन जैसे दिख रहा है, बकरा चिकन रहता है वैसा टाइप का, लेकिन नहीं है भाई, ये बकरा बकरा अंडा है पन्नी वाला, मस्त टेस्टी लगता है। ये वाला डिश मेरी पत्नी जी बनाई है ना जी? कैसा लग रहा है, खाए हो जी? टेस्ट देखो। ये देखो भाई चावल और सब्जी मिल चुका है। सो अब खाना खा लेता हूँ दोस्तों, और आज का ब्लॉग खास मज़ेदार नहीं लगा भाई मुझे बनाने में, क्योंकि कुछ काम ही नहीं किए हैं, बस दिन भर घर में ऐसी दिन कट गया। और आप लोगों को भी उतना अच्छा मज़ा नहीं आया होगा भाई ब्लॉग देखने में। फिर भी क्या करता यार, डाल दिया जो कि आज का लाइफ स्टाइल है वो। तो आज के ब्लॉग यहीं पेंट कर देते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड बॉक्स रखेंगे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।